मैं इकबाल, फक्र है मुझे हिंदुस्तान पर, इस देश से तो प्यार मुझे भी है यार। कुछ गद्दारों की वजह से क्या हम सबको कर दोगे बाहर? एक ताजा जानकारी भी आ रही है, मुंबई में ब्लास्ट की खबर है। तेरे आंगनों की छाया, तेरे संग सावन आया, फेर ले तू चाहे नजरे चाहे चुरा ले, लौट के तू आए रोंगटे खड़े कर देने वाला एक्ट क्या होता है वो आज आपने देखा है। वैभवी, आप क्या कहना चाहती हैं? आई के नॉट इमेजिन, मैं ये दावे से कह सकती हूं कि ये इतना बेहतरीन इंटरप्रिटेशन ये गाने का मैंने आज तक कहीं नहीं देखा। उसके शब्दों से लेके आपने यू नो व्हेन द ग्रीन जब छूटता है सफेद और केसरी से, मतलब वहां जब आप वहां से जो आई रियली गॉट गूज बम्स व्हेन ही स्टार्टेड इवन टेयरिंग अवे फ्रॉम दैट कलर द अदर टू कलर्स, और एंड में भी जब आप कोशिश कर रहे हैं ना वहां पर जुड़ने की, वो कैसे बढ़ते जा रहा है, कैसे कटते जा रहा है, नो आई कांट, ब्यूटिफुल यार, मतलब मैं बता नहीं सकती हूं कि ये ब्रिलियंट कॉन्सेप्ट या हुएवर हैट्स ऑफ। Well, मैं इतना इंस्पायर हो चुका हूं कि आई वॉन्ट टू मेक दिस इन टू अ मूवी एंड प्रेजेंट इट टू द वर्ल्ड। इतना खूबसूरत था ये कॉन्सेप्ट, वॉज सो नाइस रजत, योर डांस वॉज एब्सोल्यूटली आउटस्टैंडिंग, इट टच माई हार्ट यार, माइंड ब्लोइंग, सुपर, थैंक यू सो मच। पर ऐसी परफॉर्मेंस इंडिपेंडेंस डे वाले दिन ही हो सकती थी यार। रजत, आंखों में आंसू ले आया यार तुम तो मेरे,
सच्ची मैं क्या बताऊं, आई थिंक वैभवी और ऋतिक ने क्या ही दिया है, ऑलमोस्ट सब कुछ. आई एम जस्ट सो हैप्पी कि ये गाना आज तुमने किया, इरफान ने नहीं, बिकॉज दैट सेज अ लॉट, यू नो, दैट सेज अ लॉट दैट यू डिड इट विद द सेम पैशन दैट मे बी इरफान वुड हैव डन इट. एंड दैट व्हाट डू आई से, इट्स जस्ट ब्यूटीफुल व्हाट यू डिड टुडे. थैंक यू मैम. मैं खासकर आपसे पूछना चाहता हूँ कि आपके नाम के पीछे खान लगा है, क्या लाइफ में कभी भी कुछ प्रेजुडिस आपने महसूस किया हो, कुछ आपके साथ ऐसा हो? यू नो लकली आयुष्मान, मेरी जो वर्ल्ड है वो फिल्म इंडस्ट्री है, और फिल्म इंडस्ट्री में आई थिंक डुगू वैभवी दोनों गवाएं के कभी भी जेंडर, कभी भी रिलीजन, इस किस्म का बायस हमने कभी फेस नहीं किया है. उस हमारे रहने के दर्जे अलग होते हैं. कैन यू डिलीवर, डू यू हैव टैलेंट, कैन यू कम देयर एंड डू द जॉब, इफ यू कैन, दुनिया वो आपके कदमों में सब रख देते हैं. लेकिन जब हम छोटे थे और जब राइट्स हुए थे, वी वर द ओनली मुस्लिम फैमिली स्टेइंग इन अ पंजाबी सोसाइटी, और हमारे कारण हर नेबर ने अपना नेम प्लेट निकाल दिया, सो दैट देयर वुड बी नो डिस्टिंक्शन बिटवीन अस एंड देम, यू नो. Every night we would go, we would lock our house. हमारा घर बाहर से लॉक करते थे कि कोई नहीं, and we would stay with our Punjabi neighbors. And that, because see, terrorism does not have a religion. It's just misguided individuals giving our religion a very bad name. And thank you, Rajit, जो आज आपने ये किया. I think काफी नजरिए change हो जाएंगे इससे. आज जो रजित भैया ने परफॉर्मेंस किया यहाँ पे, मतलब ऐसी बहुत सी चीज़ें जो हम लोग को सहन करनी पड़ी है. मेरे पापा की शॉप सब जला दी, मेरे पापा का पूरा बिजनेस ठप हो चुका था, सब कुछ जला दिया था. हम लोग के करीबन 2 महीने तक हम लोग रात रात भर जागते थे. हम लोग 3-4 दिन पड़ोसी के घर में छुप के रहते थे कि हमको कोई मारे ना, हम लोग का घर कोई जलाए ना. प्रॉब्लम ये है कि ये ना कोई हिंदू है ना कोई मुसलमान है, जो ये कर रहा है सिर्फ एक शैतान है, शैतान ही ये सब कुछ कर रहा है. तो मतलब मैं ये चीज कहना चाहता हूँ कि हम लोग भी हिंदुस्तानी हैं, जितना ही देश सबका है उतना ही देश हमारा है. तो प्लीज़ मैं ये कहना चाहता हूँ, मुझे गर्व है, मुझे प्राउड है कि मैं एक मुस्लिम कम्युनिटी से बिलोंग करता हूँ, और सबसे ज़्यादा प्राउड है कि मैं एक हिंदुस्तानी हूँ और एक इंडियन हूँ मैं.